मस्ती ज्यादा चलती होगी, है कि नहीं? Well, thank you so much for coming. I now request the teachers to please get the bouquet for felicitation to honor Dilip Joshi. Thank you so much for being here, for honoring us tonight. Your presence means a lot to us. Okay, one more. Can we continue here? हमारे देश को अच्छे उज्जवल बच्चों
एक मतलब जरूरी है। और बच्चों से खास मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना, जैसे जेठालाल अपने पिताजी के पैर पड़ता है, ऐसे रोज घर से निकलते वक्त आप भी अपने मम्मी पापा के पैर पड़ के निकलना, उनका आदर करना। और बच्चे व्यसन से हमेशा दूर रहे, हमेशा व्यसन से दूर रहना, क्योंकि वो बर्बादी की निशानी है। पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान दो, खेल कूद में ध्यान दो, तो बस। और जीवन में जो भी क्षेत्र में आगे बढ़ो, बस आप जो भी आप अपने भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको उनको सबसे पहले आगे रखो, उनको याद रखो, उनको याद करो, और आप अपने काम की शुरुआत करो, तो आपको वाकई में जो सक्सेस है वो जरूर मिलेगी। जय स्वामीनारायण। चीजें आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि जेठा भाई बचपन में कैसे थे। बचपन में तो बेचारे गांव में थे, बचाव में, और चड्डी पहन के घूम रहे थे। और मम्मी से ज्यादा रहते थे या बापूजी से ज्यादा रहते थे? नहीं, बापूजी, बापूजी का बचपन से खौफ रहा है, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा है ना कि माँ हमेशा सॉफ्ट होती है और पिताजी हमेशा थोड़े ऐसे कड़क होते हैं। माँ ही बिलीव करती है कि माँ ही सॉफ्ट है, माँ ही सॉफ्ट है, नॉट एट ऑल। ये सॉफ्ट तो है अपने बच्चों को प्रति, मतलब उनको जो जो प्यार माँ के एक माँ बेटे या माँ बेटी का जो एक रिश्ता होता है। सर अभी एक तो फरमाइश आ गई कि बबीता जी के छोड़कर को छोड़कर जेठालाल को और किस पे क्रश है? बबीता जी को छोड़कर, ओके, बबीता जी को छोड़कर जेठालाल को और किस पे क्रश है? ये दिलीप जोशी ये कितनी बात भी हो सकती है? बता दो, बता दो, चलो आज बता ही देता हूँ। बबीता जी को छोड़ के अगर मुझे कुछ पसंद है तो वो है बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा चलिए, अगर दया को पता चल जाए कि आप बबीता जी के साथ में कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो जेठालाल कैसे बिहेव करेंगे, यदि एक्ट करेंगे? तो पता चले तो क्या, उसमें क्या है, जैसे दो लड़के दोस्त हो सकते हैं, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अभी तो आजकल ऐसा लड़का लड़की जैसा कोई रहा ही नहीं है, तो सब प्यार से सब लोग एक साथ में, जैसे अभी प्रशांत सर ने तो हमारे पास मम्मी का जी मम्मी का हिस्सा, मतलब ये थोड़ी है कि प्रशांत सर उनके मम्मी का जी मम्मी का हम चले अपने एक दोस्त है, बराबर ना प्रशांत? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। A true entertainer, a star, a talent power, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Dilip Joshi!